Hi guys, welcome back once again in a new vlog. So guys, in this journey I will be going to show you one of the prominent and luxurious villa which is in Paramount Golf Course Forest, which is basically located in Greater Noida. तो कार पार्किंग आप मुझे आगे दोगे? एक यहाँ पे हो गया, ठीक है, दो इधर का हो जाता, तीन गाड़ियों का सफिशिएंट रहता है। अच्छा। So guys, we are going to show you a type B villa which is basically in 2452 square feet and it is having 4 bedroom plus 1 servant room. And जैसा कि आप देख सकते हो, काफी अच्छे से इंटीरियर डिजाइन किया गया है इसका। इसका फ्रंट एरिया काफी ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है एंड गिविंग दिस इंटरनेशनल लुक। एंड जैसा कि आप डोर पे आप देखोगे, एक लेटर बॉक्स दिया हुआ है और एक वीडियो सेंसर बेल भी कनेक्टेड है। लेटर बॉक्स में विदाउट डिस्टर्बेंस आपको ऑल दी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिए जाएंगे। ये यहाँ से एक पैसेज है, एंट्री पैसेज है। एंड जैसे आप एंट्री यहाँ पे करते हो गाइस, तो इसके जस्ट लेफ्ट साइड में आपको ये वाला एक लिविंग कम डाइनिंग हॉल है। और ये गाइस बेसिकली 12x20 स्क्वायर फीट में है। जैसा कि आप देख रहे हो, इंटीरियर इसका काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। गाइस, लिविंग रूम के जस्ट साइड में आपको ये किचन मिलेगा एंड इसका एरिया अराउंड 8x11 स्क्वायर फीट का है और काफ़ी अच्छे से इसको बनाया गया है। आप देख सकते हो, इंटीरियर भी काफ़ी इसके अच्छे हैं और हाइड्रोलिक चिमनी भी लगी हुई है इसमें एंड फिटिंग्स काफ़ी अच्छे से इसकी बनी हुई है। सारे ही बॉक्सेस वगैरह में आप जो भी ग्रॉसरी के सारे प्रोडक्ट वगैरह इसमें रख सकते हो, आप इसमें माइक्रोवेव, ओवन, सारे सब कुछ फिनिश्ड मिलेंगे आपको। तो काफ़ी अच्छी फिटिंग्स वगैरह इसमें लगाई गई है। किचन के साइड में ये गाइस पहला बेडरूम है और इसका एरिया भी काफ़ी बड़ा है। ये 13x11 स्क्वायर फीट का है। गाइस, विद दिस रूम यू विल बी गेटिंग अटैच्ड वॉशरूम एंड एज फार एज द फिटिंग एंड द इंटीरियर वर्क इज कंसर्न, एक्सलेंट वर्क इज डन। As you can see, के जस्ट आप जैसे बाहर यहाँ से निकलोगे तो एक आपको बरामदा भी यहाँ पे मिलेगा, जिसको कि आप एज अ यूटिलिटी एरिया यूज़ कर सकते हो वॉशिंग के लिए। वॉशिंग के लिए बेसिकली आप इस एरिया को यूज़ कर सकते हो। और ये अप्रॉक्स 67 स्क्वायर फीट में है ये। गाइज, आपको ग्राउंड फ्लोर पे ही एक कॉमन वॉशरूम भी यहाँ पे मिलेगा और ये कॉमन वॉशरूम बेसिकली 7x5 स्क्वायर फीट एरिया में है, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे आपको ये मिलेगा।
सो ये बेसिकली आपका एंट्रेंस एरिया है जहाँ से आपने एंट्री करी है, और इसके गेट बहुत अच्छे डिज़ाइन किए गए हैं गाइस, और बहुत ही डिसेंट लुक ये आपको देता है यहाँ पे। तो अभी मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलता हूँ यहाँ से। सो फर्स्ट फ्लोर पे गाइस आपको एक यहाँ पे लॉबी है, और विच इज़ इन 14x11 स्क्वायर फीट, और इस लॉबी के दोनों ही साइड में एक एक बेडरूम आपको मिलेंगे विद अटैच्ड बालकोनी। दिस बेडरूम इज़ बेसिकली इन 14x11 स्क्वायर फीट एरिया, एंड हियर यू कैन सी ट्रांसपेरेंट विंडो, और इससे आप बालकनी एरिया में भी जा सकते हो। ये गाइज इस बेडरूम के साथ आपको अटैच्ड वॉशरूम मिलेगा। ये जो बालकनी का एरिया है इट इज़ इन अराउंड 5 फीट वाइड, सो काफ़ी अच्छा व्यू आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, और काफ़ी अच्छी लोकेलिटी है। एंड गाइज दिस इज़ दी अटैच्ड वॉशरूम कम ड्रेसिंग एरिया। गाइज आपको यहाँ पे वुडन वर्क भी देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि काफ़ी अच्छा एरिया का यूटिलाइज किया गया है, एंड वुडन वर्क भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। सो जो भी आपके क्लोथिंग वगैरह हैं या यूटेंसिल्स हैं आप इसमें इसको रख सकते हो। सो वेरी नाइस फिनिशिंग, प्लस दिस इज़ दी ड्रेसिंग एरिया। तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, एंड द फिटिंग्स आर ऑल्सो वेरी नाइस, नाइसली इक्विप्ड, एंड इसमें आप बाथ टब वगैरह भी लगा सकते हो। गाइज दिस इज़ दी सेकेंड रूम ऑन दी फर्स्ट फ्लोर विथ अटैच्ड ड्रेसिंग कम टॉयलेट एरिया एंड विथ अटैच्ड बालकनी। सो गाइज इन बोथ दी बेडरूम्स यू विल बी गेटिंग अटैच्ड वॉशरूम एंड दी बालकनी। गाइज दी एरिया ऑफ दिस बेडरूम इज़ बेसिकली 14x11 स्क्वायर फीट। एज यू कैन सी दी बेडरूम एरिया इज़ वेरी डिसेंट, एंड ऑल्सो दी आर्किटेक्चर इज़ वेरी नाइसली डन। गाइज द फिनिशिंग एंड द इंटीरियर इज़ वेरी लग्जरियस, गिविंग इट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। Here also you will be getting a wooden work as you can see, and in both the bedrooms you will be getting a dressing area. So guys, now I'm taking you to the second floor.
On the second floor, you will be getting a lobby and a fourth bedroom with attached balcony and a terrace area, a servant or study room with attached toilet. So this is the lobby area basically, and on the left side there is a bedroom which is the fourth bedroom. Guys, the size of this bedroom is 14x11 square feet. And again with this bedroom there is an attached washroom. This bedroom there is a attached balcony as well. So this balcony is basically 5.6 feet wide. So the view outside is very beautiful, as you can see. Guys, this is the terrace area, and it is in around 160 square feet area. And here this is the servant or the study room, and with this there is a attached washroom. So guys, this is the club area, and here we'll be getting all the sports activity courts, and along with lounge and restaurant, gym, and a wave swimming pool. ये वाला रेस्टोरेंट है, अच्छा खाने पीने का बना हुआ है। अच्छा, इधर इस साइड में आपके इंडोर गेम होंगे, इस साइड में सारे इंडोर गेम इस साइड में। ये आपके स्पोर्ट्स रूम है लेडीज जेंट्स। अच्छा, फिर वहाँ पे वो दोनों स्पा है लेडीज जेंट्स। अच्छा, इस साइड में आपका जिम है ये वाला। ओके, और सामने बिल्कुल स्विमिंग, मतलब सारा सब कुछ इसके अंडर में ही है। तो वो वाला जो हम लोगों ने देखा विला, उससे कितने डिस्टेंस पे है ये? 300 से 400 मीटर। ये वाला जिम हो गया। इसके उस साइड में देखेंगे स्विमिंग पूल है, वेव स्विमिंग पूल है। अच्छा, उसके उस साइड में जितने आउटडोर गेम हो गए जैसे क्रिकेट की, लॉन टेनिस, उस साइड में वो सब चीजें उधर। ओके, you
guys, the cost of the villa which I have shown you in this video, that is type B villa, is around 90 lakh, and these are the villas which are under construction, and once you are booking the villa, they will hand over you the villa in around 45 to 60 days. The prices may vary depending on at what time you are seeing this video and you are booking the villa. I hope you enjoyed the video. Like, share and subscribe.